दोस्तों आज हम देखेंगे कि भारतीय लोगों में कौन सी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। आपने तो बहुत सुना होगा कि अमेरिकन लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, जापान लोग होते हैं वो बहुत रूल को फॉलो करते हैं, चाइनीज लोगों में ऐसी एटीट्यूड होती है। मतलब हमने विदेशों के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सुना हुआ है, उनकी मूवीज देखते हैं हम। दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि वो लोग हमें अपना अच्छा ही दिखाते हैं, कोई अपना बुरा क्यों दिखाएगा। ना आप बाहर गए होते हैं, ना मैं बाहर गया होता हूँ, सिर्फ और उनकी मूवीज या उनके चैनल्स पर या उनके बारे में सिर्फ पढ़कर हम ऐसा मन बना लेते हैं कि वो चीजें बहुत अच्छी हैं और हम बुरे हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको आपकी खुद की क्वालिटी के बारे में आज बात करूंगा, आपको आपके ही बारे में बताऊंगा। आप एक भारतीय हो और आप एक भारतीय में कैसी कैसी क्वालिटीज होती है उनके बारे में आज हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली है नॉन वायलेंस। हमने पूरी दुनिया को नॉन वायलेंस सिखाया है, पूरी दुनिया बहुत ही युद्ध से और अलग अलग हिंसा करके जीती हुई है। जैसे आपने हिटलर हो या किसी भी महान राजा के बारे में आप सुनेंगे, और फॉरेंस की मूवी में भी आप देखेंगे तो बहुत ही युद्ध दिखाया जाता है। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को नॉन वायलेंस का, शांति का, अहिंसा का पाठ सिखाया है। दूसरी दूसरी चीज है शाकाहारिता के लोग। दुनिया में जितने भी हजारों लोग जो भी शाकाहारी है उनमें से ज्यादातर 70 से 80% लोग इंडिया में रहते हैं और वो शाकाहारी होते हैं। हाँ कुछ लोग नॉनवेज को प्रिफर करते हैं, पर ज्यादातर लोग जो नॉनवेज खाते भी हैं उनका यही मानना होता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और पर्व में त्योहार में इस बात को वो लोग रोक लगाते हैं और उन टाइम पर वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। उसी तरह है अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल। जैसे कि आपने गुजरात में देखा होगा, अपना बिहार है वहां पर अल्कोहल बैन है। अब हमारे देश में और 20 से 20-22% हमारे जो मुस्लिम जनता है वो भी अल्कोहल नहीं पीती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे देश में मतलब अल्कोहल के प्रति एक नफरत जैसी है। अब कोई बच्चा अपने पापा के साथ बैठकर अल्कोहल नहीं पीता है तो मतलब एक अवॉइडेंस है, चाहे जितना हो सके लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं कि हम अल्कोहल ना पिए। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। दोस्तों ये भारतीय लोगों की सबसे बेहतरीन क्वालिटी है कि लोग अपने एल्डर्स को, अपने से जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बहुत ही इज्जत करते हैं। ये घर की बात तो अलग है, जो इंस्टीट्यूशन होती है जहां पर कंपनियां होती है वहां भी सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट होती है। दूसरी नेक्स्ट चीज है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी 50-60 साल के उम्र के बाद लोग ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं। फिर जैसे कि अभी उम्र ना हुई हो, शादी ना हुई हो, तब तक लोग ब्रह्मचर्य मतलब कि ऐसे किसी रिलेशनशिप में एक हद से ज्यादा जाना अपने आप को बहुत रोकते हैं और कोशिश करते हैं। ये चीजें फॉरेन में नहीं है, बहुत सारी कंट्री में लोग 16-17 साल हो तभी अपनी वर्जिनिटी लूज कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हम भारतीय हैं और हमारे अंदर ऐसी चीजें हैं और ये हमारी एक खूबसूरती है। मुक्ति। मुक्ति का कॉन्सेप्ट भी भारतीय लोगों ने दिया है पूरी दुनिया को कि आप एक उम्र हो जाने के बाद पूरी जो भी धन दौलत हो आप लोगों में बांट दो और फिर बच्चों को दे दो और एक मतलब आराम का जीवन और एक आराम की मौत मरो, शौक से मरो। टॉलरेंस। टॉलरेंस दोस्तों इंडिया में बहुत ही, आपने बहुत ही इंटॉलरेंस के बारे में सुना होगा, मुझे पता है कि यहाँ पर ऐसी मुस्लिम को ऐसे मारा, हिंदुओं को ऐसे मारा या किसी लेकिन दोस्तों यदि पूरी आप दुनिया में यदि कंपेयर करोगे तो हमारा भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत हाईलाइट किया जाता है और उसको रोकने की कोशिश की जाती है और ये बहुत कम होता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने जो मुस्लिम है तो उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया है, या कोई नेपाल हिंदू है तो उसने हिंदू को ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। तो उन लोगों ने तो दूसरों को आने ही नहीं दिया है, तो फिर उनको तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत सारे राज्यों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और सारे एक दूसरे से बहुत डिफर होते हैं, बहुत उनका विचार अलग होता है, फिर भी पूरा देश एक होता है। यदि जब देश के बारे में कोई बात आए, यदि देश के बारे में कोई कोई टॉपिक उठे तो कोई ये नहीं कहता कि नहीं मैं तो
कोई जैसे कि केरला से हूँ तो मुझे इंडियन से क्या मतलब है, क्या मैं बिहार से हूँ तो मुझे इंडिया होने से इंडिया से क्या मतलब। पूरा देश एक ही होता है और एक साथ चलते हैं, फॉलोइंग ट्रेडिशन एंड कल्चर। हम भारतीय हैं और हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसे हम बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। आज के टाइम में बहुत से देशों में ये चीज बहुत ही कम देखने को मिलती है कि लोग अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें। आपको यदि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि आज भी जब चूल्हे पर खाना बनता है तो पहली रोटी गाय माता के लिए, या कोई जो भी खाना बना हो या कोई दुकान हो तो लोग सुबह सुबह अपनी एक मिठाई का टुकड़ा गाय माता के लिए, या किसी भी गरीब को ऐसा मतलब दान करते हैं। फिर पर्वों में भी हम दान करना और ये सब चीजें बहुत ही हम अच्छा मानते हैं। तो हम अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। दोस्तों आपको ये मुझे पता है अच्छा लगा होगा, और आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू और जय हिंद।